भारत करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। उम्मीद है कि बुधवार को दोनों देश मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान हरेक श्रद्धालु से $20 की फीस लेने पर अड़ा है। सीमा पार से चलने वाली गोलियों के बावजूद भारत पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर पर समझौते के लिए राजी हो गया है। 23 अक्टूबर को भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर अपील की है कि गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से $20 की फीस नहीं वसूलें। लेकिन बार बार अपील के बावजूद पाकिस्तान का अड़ियल रवैया बना हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं है और वो साल भर में इससे होने वाली तकरीबन 250 करोड़ की आमदनी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। हालांकि अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उन पर बातचीत जारी है। श्रद्धालुओं से $20 की फीस नहीं ली जाए। दर्शन की समय सीमा श्रद्धालुओं के हिसाब से तय हो। प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिले। हर दिन भारतीय प्रोटोकॉल ऑफिसर को जाने की अनुमति मिले। भारत पहले ही पंजाब के डेरा नानक साहब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अत्याधुनिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर चुका है, लेकिन बार बार दावा करने के बावजूद पाकिस्तान में अभी इस पर कोई ठोस तरीके से काम नहीं शुरू हुआ है। दरअसल पाकिस्तान का मकसद दोहरी सियासत करने का है। एक तरफ तो वो कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर सिखों का दिल जीतना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर निर्माण में जानबूझकर देरी भी कर रहा है ताकि वो इसका ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।